वरिष्ठ नागरिकों को भजनलाल सरकार का तोहफा। देवस्थान विभाग द्वारा वर्ष 2024 की पहली वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा रामेश्वरम के लिए रवाना। अजमेर और भीलवाड़ा के कुल 781 वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन अजमेर रेलवे स्टेशन से हुई रवाना। सांसद भागीरथ चौधरी और विधायक अनिता बघेल ने फीता काट कर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से देवस्थान विभाग के सौजन्य से वर्ष 2024 की पहली वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के तहत 781 तीर्थ यात्रियों का दल आज अजमेर रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम धाम के लिए रवाना हुआ। तीर्थ यात्रियों को रवाना होने से पूर्व देवस्थान विभाग की ओर से समस्त जानकारियां प्रदान की गई। जानकारी के मुताबिक देवस्थान विभाग की ओर से आयोजित की जाने वाली रामेश्वरम मदुरई की इस तीर्थ यात्रा के लिए बुजुर्गों में खासा जोश दिखाई दिया। 7 दिवसीय इस यात्रा को लेकर संपूर्ण जानकारी के लिए तीर्थयात्रियों को एक स्थान पर एकत्रित किया गया, जहां देवस्थान विभाग के अधिकारियों द्वारा यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों सहित संपूर्ण तरह की जानकारी तीर्थयात्रियों को प्रदान की गई। इसके बाद मुख्य अतिथि सांसद भागीरथ चौधरी और अजमेर दक्षिण विधायक अनिता बघेल ने अपने उद्बोधन में वरिष्ठ तीर्थ नागरिकों को सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी। विभागीय जानकारी के मुताबिक 581 तीर्थयात्री अजमेर और भीलवाड़ा से 200 यात्रियों का लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया। रामेश्वरम और मदुरई की यात्रा पर जाने वाले सभी 781 तीर्थयात्रियों के रहने और खाने सहित उन्हें तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने की निशुल्क व्यवस्था की गई है। देवस्थान विभाग की ओर से सर्दी के मौसम को देखते हुए सभी यात्रियों को किट भी वितरित किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से सबसे पहले भारत शासित जो प्रदेश है, जो बीजेपी शासित प्रदेश है, उन प्रदेशों में धार्मिक यात्रा आम बुजुर्ग लोगों को कराने का की योजना प्रारंभ हुई, और जिसके प्रतिफल के रूप में देखिए आज रामेश्वरम के लिए यात्रा जा रही है राज्य सरकार की ओर से। और रामेश्वरम की इस यात्रा में लगभग 800 यात्री हैं जो यात्रा कर रहे हैं, अटेंडेंट भी इसमें साथ हैं। 200 लोग जो हैं वो जो उसके हैं जो अटेंडेंस के रूप में यहाँ पर जाने वाले हैं। तो आज रामेश्वरम के लिए बुजुर्गों की ये जो सुविधा राज्य सरकार ने दी है, इतनी सुंदर ट्रेन जो है वो हायर की गई है, और इस ट्रेन में पेंट्री भी साथ में है। पेंट्री के साथ में होने के कारण से यात्रियों को गर्म भोजन तत्काल मिलने वाला है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी योजना जो बीजेपी के शासन में शुरू हुई थी, और उसका प्रतिफल आज आम लोगों को मिल रहा है। जो गरीब लोग हैं, जो जा नहीं सकते, जो अकेले यात्रा नहीं कर सकते, उनको ये लाभ मिल रहा है। लगभग 90 करोड़ का बजट है इसके अंदर। विभाग के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के निमित्त यह योजना चलाई जा रही है, जिसमें रेल और हवाई जहाज के माध्यम से विभिन्न जो है तीर्थ स्थलों की यात्रा जो 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग हैं उनको कराई जाती है। आज अजमेर से रामेश्वरम के लिए यह ट्रेन प्रस्थान हुई है, जिसमें लगभग 581 यात्री अजमेर ज़िले के और 200 यात्री जो हैं भीलवाड़ा ज़िले के। इस प्रकार से 781 वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रियों को ये यात्रा करवाई जा रही है। लगभग एक हफ्ते की ये यात्रा रहेगी। आज 3 तारीख को रवाना होकर 10 तारीख को पुनः लौटेंगी। इस तरह की और भी यात्राओं का कोई आयोजन किया जाएगा? जी, लगातार इस प्रकार की यात्राएं चल रही है। इस वित्तीय वर्ष में काफ़ी सारी यात्राएं पहले हो चुकी है। लगभग 40,000 यात्रियों को इस वर्ष में यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2024 के कैलेंडर वर्ष में यह पहली तीर्थ यात्रा आचार संहिता के बाद आज शुरू हुई है। राजस्थान की पहली ट्रेन यहाँ अजमेर से गई है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के जो सहायक आयुक्त हैं उनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी, और आज के मुख्य अतिथि में हमारे कमिश्नर मैडम स्वयं रही थी। स्थानीय जो यहाँ के सांसद महोदय हैं आदरणीय भागीरथ जी चौधरी साहब और स्थानीय विधायक महोदया अनिता बघेल जी इत्यादि जनप्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित रहे।